नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा इस ब्रांड न्यू यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नापुरी संतरा व्लॉग्स। जानता हूँ ये चेहरा आपके लिए बहुत नया होगा, लेकिन धीरे धीरे आप इस चेहरे को पहचानने लगोगे, क्योंकि मैं इस चैनल पे आपके लिए लाने वाला हूँ डेली इंटरवल्स पे बहुत ही एंटरटेनमेंट से भरा हुआ कॉन्टेंट। आज मेरा पहला व्लॉग है और मेरा नाम है सरविल, मैं हूँ नागपुर सिटी से। आज मौसम भी बहुत अच्छा था तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये व्लॉग छत पे आके शूट करूं। तो दोस्तों, मैं रहता हूँ साउथ वेस्ट में और अभी जैसा मैंने आपको बताया मैं अपने छत पे हूँ। इस साइड आप देख सकते हो, छत के इस साइड से मुझे दिखता है नागपुर मेट्रो। आगे आप देख सकते हो ये है एयरपोर्ट का नागपुर मेट्रो स्टेशन, और इस साइड ये है नागपुर एयरपोर्ट, और ये है नागपुर का रनवे आप देख सकते हो, और ये जो सारा जंगल है वो है सोनेगांव जंगल। इस साइड कहीं पे पड़ता है सोनेगांव लेक। मैंने बहुत टाइम से सोच के रखा था कि YouTube पर भी मेरा एक चैनल हो और मैं डेली व्लॉग्स बनाऊं, लेकिन रोज़ कहीं ना कहीं मैं खुद को ही रीजंस देता था कि क्यों ना यार थोड़ा सेविंग्स करके मैं GoPro ले लूं, एक अच्छा सा कैमरा ले लूं। लेकिन ठीक है, चलो मेरे पास भी है iPhone और मैं इसी से शूट करके आपको दिखाऊँगा मेरे कॉन्टेंट्स। तो चलिए मेरा फर्स्ट व्लॉग चालू करते हैं। दोस्तों, जैसा आप जानते होंगे कि महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल आने वाला है, गणेश महोत्सव, गणेश चतुर्थी जिसे बोलते हैं। तो मराठी लोगों के लिए ये बहुत फैमिलियर बात होगी, लेकिन जो नॉन मराठी व्यूअर्स हैं उनको हम बताना चाहेंगे कि हमारे घर पे बाप्पा आने वाले हैं, और इस व्लॉग में मैं सोच रहा हूँ कि बाप्पा का डेकोरेशन, जो बाप्पा विराजमान होने वाला है वो जगह का डेकोरेशन मैं किस तरह करूँ। ये हमारे घर का वो पार्ट है जहाँ पे मंदिर है और हम सब यहाँ पे भगवान की पूजा करते हैं, स्पेशली आई बाबा तो सुबह उठ के पूजा करते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस पार्ट पे ये जो सेक्शन है यहाँ पे बाप्पा का मस्त डेकोरेशन करके हम बाप्पा को यहाँ पे विराजमान करेंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए मैंने कुछ प्लानिंग की है, तो मैं मार्केट में जाके देखूँगा, अगर वो चीज़ें अवेलेबल होगी तो मेरा प्लान एग्जीक्यूट करूँगा और आपको दिखाऊंगा कि मैंने डेकोरेट कैसे किया है सारी जर्नी बाप्पा के विराजमान होने तक। तो चलिए मार्केट। आपके साथ मैं आ गया हूँ मार्केट में। ये नागपुर का महल एरिया है और इस एरिया में बहुत सारे डेकोरेट आइटम्स अवेलेबल है, बहुत सारे शॉप्स हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, ये शॉप में बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स से बने हैं। और इस मंदिर, मेरे भी दिमाग में कुछ ऐसा ही प्लान था कि मैं कुछ ऐसे ही मंदिर बनाऊं या ऐसा ही मंदिर का ऑर्डर दूं कस्टमाइज़ करके, और ठीक है, मैं सही दुकान आया हूं। अभी आप देखते रहिए कि मैं किस तरीके का मंदिर ऑर्डर प्लेस करता हूँ। दोस्तों, अभी मैं घर पर आ चुका हूँ। मैंने मंदिर तो नहीं लेकिन एक बैकग्राउंड का प्लेस ऑर्डर प्लेस किया है, मैंने मेरे खुद के चॉइस से वो कस्टमाइज़ किया है। अभी देखते हैं वो कैसा बनाते हैं, आई होप जैसा मैंने चाहा था वो वैसा ही बनाएंगे, सो फिंगर क्रॉस। मैंने जिस बैकग्राउंड का ऑर्डर प्लेस किया है वो मुझे मिलने वाला है कल, तो इसलिए हम देखेंगे पार्ट टू में। डेकोरेशन तो मैं खुद ही करने वाला हूँ, तो आप देखते रहना बाप्पा की विराजमान होने तक की जर्नी पार्ट टू में। थैंक यू गाइस, सी यू।